गिरी दर्शन करने कितने भक्त गए हैं, बहुत लोग गए हैं। तो जरा जय घोष लगाते हुए चलिएगा, जरा प्रेम से बोलो, मिलकर बोलिएगा, जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, जोर से बोलो, आवाज लगा के, ताली बजा के। और भक्त बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं मैया से, कि मैया कि बेटा बुलाए झट दौड़ चली आए, बेटा बुलाए झट दौड़ चली आए, अपने बच्चों के आ तू, अपने बच्चों के आ तू, देख नहीं पाए माँ बेटा, बेटा बुलाए झट दौड़ चली आए, माँ बेटा बुलाए झट दौड़ चली आए, माँ जय हो। बिगड़ी तेरी बात बनेगी माँ की महिमा का कहले, खुशियों से भर ले जाएगा छोली तो फैला के दे, और कि बिगड़ी तेरी बात बनेगी माँ की महिमा का के दे, खुशियों से भर ले जाएगा छोली तो फैला के दे, छोली छोटी पड़ जाती है, छोली छोटी पड़ जाती है, जब देने पे आए माँ बेटा, बेटा बुलाए आए माँ बेटा बुलाए दौड़ी चली आए, ओ बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ। ये बताइए कितने भक्त ऐसे जो मैया के चरणों में मैया का दीदार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जरा हाथ उठाइए एक बार, अच्छा लग रहा है, अच्छा की बहुत अच्छा। तो एक बार हमारे लाला के लिए तालियां लगाइए और भाव से सेवा करेंगे कन्हैया की और मिलकर मेरे साथ नाम लेंगे, एक बार राधे रानी के नाम का श्रवण करिए और भाव से बोलिएगा, बोलो श्री राधे श्री, बोलो श्री राधे श्री राधे राधे। अब देखिए भजन के अनुसार तालियां बजाना मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि आप यही कहोगे जो भी कलाकार आता है हाथ उठवाता है तालियां बजाता है तो क्या कहेंगे, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। ये बताइए दादा जिन्होंने ये सेवा करी है वो चली गए पैर में, उनका कोई परिवार और है, उनका परिवार है यहाँ पे, वरुण जी वरुण सोलंकी। अगर देखिए अगर जिन्होंने ये सेवा की है कितना प्यारा मैया का दरबार सजाया है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं जगराता देखने और कुछ लोग आते हैं कलाकार को और कुछ लोग आते हैं सिर्फ, जिन्होंने भोजन किया वो तो चले गए लेकिन अब वही भक्त रह गए जो भजन कर रहे हैं। संजीव सोलंकी और वरुण सोलंकी जी देखिए इतने सौभाग्यशाली भक्त हैं कि आपको साक्षात ठाकुर जी का दीदार हो रहा है, तो जरा ताली लगा के बड़े भाव से कहेंगे क्या, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हो गए राधा रानी के, 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 हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा, जय हो। दरबार में 500 रुपए की अरदास सभी कलाकारों के लिए दे रहे हैं भैया, हमारे सभी कलाकारों के लिए 500 रुपए की अरदास, बोलो सच्चे दरबार की। देखिए ये जिन्होंने अपने पैरों में जूते पहन रखे ना
अजय आप हाँ। लोग ही वरुण जी कर रहे, आप लोग भी कर रही हैं। वरुण जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो महामाई के दरबार में ठाकुर जी प्यारे लग रहे हैं ना, लग रहे हैं ना थोड़े से कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं तो दरबार में बहुत प्यारे से फूल रखे हैं, एक बार ठाकुर जी पर प्यार से फूलों की वर्षा करिएगा, देखिए कितना आनंद आता है। मैं चाहूंगी जिन्होंने ये दरबार सजाया या तो वो आ जाए, नहीं तो सभी भक्तों के लिए ये ठाकुर जी कहते हैं कि आइए और फूलों की वर्षा करिए। तो जरा हाथ उठा के ताली लगा के कहिए, और भक्त क्या कहते हैं, हम गाँव गाँव में कहते हैं, हम गाँव गाँव में, हम गाँव गाँव में कहते हैं, हम गाँव गाँव में। और आज हम कहाँ कह रहे हैं, हम सिरपुरा में कहते हैं, हम हो गए राधा रानी, हरि बोल जय हो। भक्त सेवादार रह गए हैं, अब मैं भी बैठ के सेवा करता हूँ, आप भी बैठ के करिए, लेकिन भजन गाते रहिए मेरे साथ। बोलो श्री राधे श्री राधे, बोलो श्री राधे श्री राधे राधे, क्योंकि कहते ना कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर न रुत रही। पारा कीर्तन जो है वो ऐसा नहीं है कि आप लोग वाकई में सिनेमा की तरह देख रहे हो, कीर्तन को करिए, क्योंकि आज कीर्तन सुनने ही तो कन्हैया आया हुआ है, कीर्तन सुनने ही तो मैया आई है, हम सब कीर्तन करने आए हैं। तो कीर्तन करेंगे तो हाथ उठा के और प्रभु के नाम का श्रवण कीजिए एक बार, और दोनों हाथ उठाइए और भाव से ताली लगाते हुए क्या कहना है बाबा, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, ओ दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारी तेरे थारी और जगह नहीं है। अब सही है, अब लग रहा है कीर्तन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो गाइए एक बार, सांवरिया तेरी यारी रे दीवाना बना दिया, सांवरिया तेरी यारी रे दीवाना बना दिया। क्योंकि कहते हैं कितने भक्त ऐसे हैं जो मथुरा वृंदावन धाम गए, कौन कौन गया है, सभी लोग गए हैं, जो नहीं गए हैं देखिए उन्हीं के लिए तो कन्हैया आया हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि मत पालो शौक तुम मथुरा की गलियों में जाने का, कि मत पालो शौक तुम मथुरा की गलियों में जाने का, क्योंकि रास्ता नहीं है प्यारे फिर वापस आने का। तो मस्ती में झूमते हुए चलेंगे, और क्या कहना है, भगत तू ना जइयो ना जइयो बाढ़ू के दरबार, भगत तू ना जइयो ना जइयो ना जइयो दरबार, वहां पर बैठा है, बैठा है मेरा सांवरिया सरकार, वहां पर बैठा है, बैठा है सांवरिया दरबार। क्योंकि क्या कहेंगे बाबा सिंह बाबा, तो बन के बाबरा बाबा की गलियों में डोलेगा, तो बन के बाबरा मथुरा की गलियों में डोलेगा। ये जादू किसका है, कन्हैया का, एक बार दोनों हाथ उठाई बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो क्या कहना है, ये शाम का जादू है सर कर
बालक को अपनी गोद में लेकर जाते तो लोग मुझसे कहते हैं, मुझे लगा कि छोटा सा बच्चा है। लोग ऐसा क्योंकि मैं उनको इस प्रकार से लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं आपको सौभाग्य मिला मैया की सेवा करने का, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला है कन्हैया की सेवा करने का। तो आइए आज मेरे साथ आप भी बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं, झूमकर मना, क्योंकि लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल को रखना आजकल का फैशन है, बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन अगर कहते हैं अगर लाला को अपने साथ रखना फैशन है, तो भैया मुझे ये फैशन मंजूर है। तो आइए, अगर ये फैशन है तो ये फैशन ही सही, जरा हाथ उठाओ और ताली लगा के बड़े भाव से कैसे सेवा कर रहे हैं कन्हैया की। कि कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं, कहे कोई परवाह नहीं, धन दौलत और सहूलत की अब मुझको चाह नहीं, धन दौलत और सहूलत की अब मुझको चाह नहीं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो ताली बजा के बताना, क्योंकि कहते हैं कि किसी के कान में हीरा तो किसी के नाक में हीरा, कि किसी के कान में हीरा तो किसी के नाक में हीरा, और हमें हीरे से क्या लेना, हमारा श्याम है हीरा। इसलिए कहा कि कुछ भी कहे जमाना अब कोई परवाह नहीं, और कन्हैया कि धन दौलत और शोहरत की अब मुझको चाह नहीं, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या करूं कांच के टुकड़ों का मैंने हीरा पा लिया, क्या करूं कांच के टुकड़ों का हीरा पा लिया, सांवरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बताइए आपको अच्छा लग रहा है, कन्हैया के भजनों में आनंद आ रहा है, तो एक बार मैं चाहती हूँ जोरदार जयकारा भी लगाइए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बंसी वाले की, बोल लाज बचाने वाले की। तो आइए बड़े भाव से जो सेवा कर रही है वो क्या कह रही है, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी क्यों लौट के नहीं आएगी। सखी कह रही है कि तू लौट के क्यों नहीं आएगी, तो क्या कहने लगी वो, हो मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे भी रहेगी, वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे भी रहेगी जाऊंगी। अगर आप भी वृंदावन चलना चाहते हैं तो तालियां तो बजानी पड़ेंगी एक बार भाव से, क्योंकि कहते हैं ताली का है महत्व बड़ा, इसे हर चौराहे पे मत बजाना, और जब भी भजन हो मेरे कन्हैया का तो पूरा जोर, तो ताली का जोर होना चाहिए। एक दो तीन चार, अरे ये श्याम सलोनी सूरत पे मैं दीवानी हो गई, ओ श्याम सलोनी सूरत पे